नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो सावन का महीना जब लग जाता है, कुछ लोग इन नियमों का पालन करते हैं और कुछ लोग इन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते। उनके लिए सभी दिन बराबर होते। तो जो लोग सावन में नियमों का पालन करते हैं, वह सावन में किन किन चीज़ों को खा सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार का प्रयोग ना करें। सावन के महीने में अदरक, लहसुन, प्याज, बैंगन और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। हो सके तो नहीं खाना चाहिए। वहीं पुराणों के अनुसार इस पवित्र महीने में मूली और बैंगन को खाना विशेष रूप से अशुद्ध माना गया है। और सावन में खास तौर पे कढ़ी भी नहीं खाते हैं। कढ़ी और दही, इन सब चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। और साथ ही साथ सावन के महीने में दही और कढ़ी का प्रयोग इसलिए नहीं करते। सावन के महीने में खास तौर पे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, लाल साग, इन सब चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है। कहीं कहीं जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, तो उन पत्तों में काफ़ी जीवाणु होते, काफ़ी कीटाणु जमे रहते हैं। इसी वजह से हमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और ख़ास तौर पे एक नियम है, दो नियम तो आपको ख़ास तौर पे मानने ही चाहिए। एक तो ये है कि सावन में आप दही और कढ़ी ये बिल्कुल भी नहीं खाएं, और दूसरी चीज़ है बैंगन। बैंगन का सेवन भी आप बिल्कुल भी ना करें। यहाँ तक कि माना भी गया है कि लहसुन प्याज, अगर आपसे लहसुन प्याज खाए बगैर नहीं रहा जा सकता, तो लहसुन प्याज का सेवन भी इन सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं।